सो वी आर ऑल सेट, बस हमने अभी नाश्ता बनाया, सुबह सुबह चावल बना लिए थे, सो राइस का फ्राइड राइस खा रहे हैं और गाड़ी ऑन है, निकलने के लिए तैयार हैं, बस 5 मिनट में यहाँ से निकलते हैं, अभी हो रहे हैं 9:25। नमस्कार मित्रों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एनुअल ओवरलैंडिंग मीट के आज के इस व्लॉग में हम निकल रहे हैं वाचू पॉइंट यानी कि इंदौर के पास से और बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ। ओके सर, ठीक है सर, आगे चलने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए जी, यहाँ पर हमें रिफिल करना, हमें नहीं वैन लाइफ इंडियन तो पर उनको रिफिल करना है अपना पानी, वो रिफिल कर ले और फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, यहाँ पर बहुत तरीके से जो टैंक्स हैं वो लगाए जाते हैं, ओवरहेड टैंक भी लगता है नीचे, जैसा कि इन्होंने टैंक लगा रखा है वो भी लगता है। ये जो नीचे लगता है इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कहीं से भी किसी भी साइज़ के पाइप से इसमें इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक डीजल टैंक की तरह है और आप इसमें पानी बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता से डाल सकते हैं। एक जो छोटा सा कंसर्न इसके साथ होता है वो ये है कि आपको अब ये जो पानी यूज़ करना है वो मोटर की सहायता से ही आएगा, आउट ऑफ ग्रेविटी नहीं आने वाला है। सो सब चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं एनीवेज, पर मुझे लगता है कि नीचे जो टैंक लगता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छी रहती है और सबसे बड़ी चीज़ कि आप किसी भी पाइप से इसमें वाटर इनलेट दे सकते हैं। सो कैंपर में पानी रिफिल करने के बाद हम एक बार फिर बढ़ चले अपने आगे के सफर के लिए। ये गलत लिखा है सर, आपकी गलत दिखाना, क्या कर होना चाहिए था। सो अभी धूले बचा है यहाँ से 128 किलोमीटर और पेड़ की छाया में हम रोकने वाले अपनी कैंपर में। सामने हमारे साथ वैन लाइफ इंडियन कपल जो चले थे, सो उन्होंने भी हॉल्ट किया है, यहाँ रुकते हैं, कुछ हल्का फुल्का लेते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब सफ़र का तो यही आनंद है, मतलब वो सफ़र जो पता ना चले वही सफ़र होता है, बस खाते पीते चलते जाएं। तो चलिए जी, भाभी जी बना रही हैं लस्सी, एकदम बढ़िया नमकीन लस्सी, जिसको हम ग्रहण करने वाले हैं हाईवे पे, और इससे अच्छा घर क्या हो सकता है। देखिए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली है ना सर, वाह। सात्विक को तो मिल गई, आपको मिल गई आपके कोटे की, ओह ग्रेट, अच्छी। मम्मा उठी नहीं उठी, मम्मा को बोलो सोते रहे सोते रहे सोते रहे। नहीं, मम्मा उठ के गुस्सा भी करने लगी। मम्मा उठ के गुस्सा भी करने लगी। ओ, मम्मा अपनी हॉबी को परस्यू करती रहती है बीच बीच में। दादी ग्लास दे देना जरा, ग्लास ग्लास दे, ग्लास ग्लास देगी। तुम क्यों उठ गई, सोती रहो। तो चलिए जी, लस्सी वस्सी हमने पी ली है, साथ में गेट बंद कर लीजिए। और ये अपलोडिंग कितने परसेंट हुई, अपलोडिंग कितने परसेंट हो गए? 44। ठीक है, ओके। ग्लास जगह पे रख दो साथ में। ये ग्लास जगह पे रख दो। दादी आ रही है, और उसको लॉक कर देना। दादी आ रही है वॉशरूम से। ठीक है। कितनी सारी है गिरी नहीं तो क्या हुआ, गिराई तो है ना आपको, जब बोला संभाल के रखिए तो उसको संभाल के रखिए ना। तो अभी हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र की बॉर्डर चेक पोस्ट, और एक बहुत ही अलग प्रकार का टोल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं भाई क्या है ये बोलते हैं। पासिंग नहीं, कैंपर वैन है, अभी एक गाड़ी आगे गई ना हमारी आरसी से। थैंक यू। सो एनीवेज, हमारी कैंपर वैन तो यहाँ से बहुत ही ईजली पार हो गई, पर हमारे ठीक आगे जो वैन लाइफ इंडियन कपल चल रहे थे उनके साथ क्या हुआ
सुनिए। तो अच्छा हुआ सर वहाँ तो आपने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया, मतलब वहाँ जो भी पूछ रहा था मैं बोलता जा रहा था वो आगे गई है ना गाड़ी। तो बहुत कंफ्यूजन है उनको, दे वर नॉट अवेयर कि कार्रवा होता क्या है, तो मेरे से पूछे कि पासिंग क्या है, मैंने भाई ये मेरा आरसी है इसमें लिखा हुआ है तो कर ले जो करना है। सही बात, साथ में बोल रहा है कि 26,000 रुपए की इसमें पड़ता है आपको, 26,000 रुपए का चालान कटेगा। तो हमारे जो दूसरे वैन लाइफ इंडियन कपल साथी हैं उनको बोला कि भाई 26,000 रुपए का चालान कटेगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर लोगों को, पता तो है नहीं कैरवा क्या होता है, एंड जस्ट मतलब हेयर से मैं कह रहे हैं कि ओवरवेट है ये, मैंने कहा आप कर लो ऐसे। सो इसी स्थान पर कुछ देर और रुककर हमने बनाया अपना दिन का भोजन, उसको ग्रहण भी किया, और फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई रावी से, जो कश्मीर से कन्याकुमारी कर रही हैं साइकिल पे, और उनकी जो उम्र है वो है मात्र 8 वर्ष। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं रावी से, और सबसे बड़े स्टार से मिलाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? अरावली। रावी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और रावी कर रही हैं कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। बहुत अच्छा। कहाँ से, मतलब बहुत बहुत सारे किलोमीटर्स करके यहाँ पहुँचे हैं? कितने दिन लगे? 40 days। तो ये है हमारी छोटी सी बिटिया की साइकिल, देखिए कितनी बढ़िया। एंड शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। क्या बात है। अब आप बताओ अपने चैनल के बारे में। हिमालयन साइकिलिंग इनका यूट्यूब चैनल है, प्लीज जाइएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसे कहते हैं जज्बा। अरे ग्रेट ग्रेट भारत, क्लीन भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो रावी और उनके पिताजी से इजाज़त लेकर और बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर हमारा कारवां आगे बढ़ चला आज के गंतव्य की ओर। आज बहुत टाइम बाद है, साथ में सफर कर रहे हैं ना। हाँ। सफर के लिए चीयर्स। पूजा को भी चाय पिला दिया है तो। ये अपनी दूसरी मीटी था है। हम चाय भी ना सब किधर ही पीते हैं। दूसरी तरह से हाँ। नहीं है। सर क्या हाल है? ग्रेट, सो नाइस, सो नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ सर। सो नमस्कार सुप्रभात मित्रों, हमारी आज की सुबह हुई है नंदुर मदमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य में, और देखिए कितनी अच्छी सुबह है। सर क्या समाचार है आज? बहुत बढ़िया, हल्की हल्की ठंड है। वाह, इसको साइड करना पड़ता है। तो चलिए फिलहाल हम भी तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक के लिए यशोदीप जी के साथ। चले सर घूम के आए थोड़ा सा, आइए। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए वाह सर, ये देखिए जी क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा उजाला होने के बाद जूम कैमरा है 83x जूम, इससे सब कुछ नजदीक से। हाँ करेक्ट, सुबह सुबह ना, सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। उसे नहीं आएगा और देखिए सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बन रहा है हमारा ब्रेड सैंडविच। वाह सर वाह, मतलब इनोवेशन की पराकाष्ठा है। अरे अमेजिंग, सो अमेजिंग।
अरे सर क्या बढ़िया सैंडविच बना है, दो मिनट फायर इग्नाइट मैगी से भी फास्ट। हाँ हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, सही बात है। सो चलिए जी, नाश्ते के क्रम में हमने तो चढ़ा दिया आलू, उसके बनाएंगे सैंडविच, ये रही ब्रेड, और बस खाने की ही तैयारी शुरू हो जाती है। भाभी जी ने भी ये राजमा में गला दिया, भाभी है ना पंजाबी राजमा बनने वाला है, क्या बात है। इधर चल रही है मॉर्निंग डिस्कशन, इधर चल रही है इंदौरी पोहे की तैयारी। क्या बात है, आज नहीं किस किसका किसका बर्थडे था, तोमर जी का केक काट दिया उन्होंने। ओ अच्छा इधर केक कट गया सर, पर हम ये ना आप खाने के लिए फोर्स मत करिएगा, बस हमें कट गया वहां तक तो ठीक है, केक कटा है सब में बटे का। नहीं 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 सर, और पहले बर्थडे बॉय को खिलाना होता है, और पहले पहले हाँ पहले बर्थडे बॉय को थोड़ा बहुत मुंह पे भी लगा देंगे तो। देखिए जी सुबह सुबह डांट के साथ आसात्विक जी की सुबह हुई है, या किस बात पे हो रही है सात्विक जी? कहा क्या डांट, डांट क्यों पढ़ रही है डांट? मुझे नहीं मालूम, असली बात बता दो, पढ़ने का नाम लिया मम्मा ने, पढ़ने के नाम पे डांट पढ़ रही है। हाँ। सात्विक पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा, जो पढ़ेगा जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, है ना। सो हमारे आलू एकदम रेडी हो चुके हैं, बस इनको छीलते हैं और फिर आज एक नई टेक्निक से बनाएंगे हम सैंडविच। आज मेरा टेस्ट है और ये दादी ले रही हैं मेरा टेस्ट, और टेस्ट है मेरा पर्यावरण का, जिसमें मेरे नंबर आने वाले हैं जीरो, अंडा जीरो जीरो। नहीं फिर कितने आएंगे? नहीं पता, जितना ठीक लिखूंगी उतने नंबर आएंगे, जितनी राइटिंग अच्छी होगी उतने नंबर आएंगे। तो कितने नंबर आएंगे आज अवनी के? नहीं फिर कितने आएंगे पूरे 10 में मिला के? मिला के 10, फिर 5 और 5 10? नहीं नहीं तुम्हारे आने चाहिए 10 10 10। और सात्विक जी क्या करने वाले हैं आज पढ़ाई में? इंग्लिश का टेस्ट देने वाला हूँ, अभी इंग्लिश का स्वच्छ भारत अभियान पूरा याद कर रहे हैं, अब याद तो है ही, बस एक बार और रीडिंग लगानी है, एक बारी बस, एक बारी बस, दादी टेस्ट देंगी। ये देखो ये आ गए बीच में डिस्टर्ब कर, बस बस बस। सो ये तैयार हो चुके हैं हमारे एकदम बढ़िया, देखिए स्वादिष्ट सैंडविच, और इसको कट करेंगे। कितने क्रिस्पी है एकदम, कट कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे केक कटा, परसों को आने वाला है मेरा तो। अभी जी कहाँ है सर? आधा और लीजिए, एक पीस और लीजिए। थैंक यू अभी जी, आपके घर पे मेहमान खाना लेकर आए। थैंक यू भैया। आधा आधा और लीजिए, और बंदे हैं आपके घर पे, एक आधा और ले, आधा और ले, एक और बन रहा है अभी तो। थैंक यू सर। तो आज है अवनी का टेस्ट, और बहुत ही तन्मयता से वो टेस्ट देने में लगी हुई है, दादी ने लिया है। यहाँ चल रहा है नाश्ता सुबह सुबह का, वाह सर एकदम, मतलब कुछ लोग सोचेंगे क्या जरूरत आनी पड़ी थी जो सड़क पे आ गया, और कुछ लोग सोचेंगे क्या बात है। इनको देखो, दो दो विचारधारा के लोग हमेशा दुनिया में पाए गए हैं। सही बात, कोई कहता है आधा गिलास भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। सही बात है, सही बात। तो ये देखिए वैन लाइफ इंडियन कपल गोवा मोड में आ चुके हैं। गर्मी वाले मोड में आ गए, गर्मी वाले मोड। कहाँ जा रहे हैं आप लोग घूमने? हम अभी जा रहे हैं सुला वाइन यार्ड, तो वहाँ वाइन, मतलब आप लोगों को मतलब इंडिविजुअल मी टाइम नहीं मिला था, तो आपने ऐसे निकाल लिया। हमको बहुत टाइम से जाना था वहाँ पे,
वो वाइन जरा टेस्टिंग करके आते फिर लेके भी आएंगे। ओके, हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो तो मतलब वर्ल्ड फेमस है ना सुना वाइन का। हाँ, तो अभी तो पर सीजन उसका होता है वैसे फरवरी वाला क्योंकि उस टाइम ग्रेप्स हुए होते हैं पूरे। ओके, ओके अभी ग्रेप्स के वो तो होंगे पर ग्रेप्स लगे हुए नहीं होंगे। यहाँ से कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। ठीक है, बाइक लेके जा रहे हैं ना? बाइक लेके जाएंगे। हाँ बढ़िया, तो इसीलिए मुझे तो भिगाया तो यहाँ पे क्या करेंगे। चलिए जी, ओके एंजॉय, आ जाएंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल, दिन हो चुकी है और सब जगह कुछ ना कुछ बनना शुरू हो ही चुका है। आज हम बना रहे हैं साबूदाने के अप्पे। उसके लिए हमने क्या किया है कि ये लिया है हमने आलू, इसमें डालने वाले हैं साबूदाना और फिर इसके बनाएंगे अप्पे। ये भी आपको दिखाएंगे पर फिलहाल आपको बताते हैं कि बाकी सब किचन में क्या बनाए जो सात्विक जी आपको बताएंगे। जाइए सात्विक जी। तो अब चलते हैं, सबसे पहले थार की पेंट्री में पूछते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? अब यहाँ पे राजमा बने, यहाँ पे बन रहे हैं राजमा चावल। राजमा बन रहा है या फिर राजमा बन गए? बन गए। हाँ जी, टेस्टी। राजमा बन रहा है या फिर राजमा चावल? राजमा चावल सर, बहुत टेस्टी है। हाँ, अब चलते हैं होंडा, होंडा के पास पूछते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है। क्या छुट्टी? खाना खाने की, खाना खाने की छुट्टी? आज कुछ नहीं बनाना। आज हमने रोटी चावल और पड़ोसी के यहाँ से सब्जी ले आएगी। बस वो गैस का हमारा लग गया। उस गाड़ी से राजमा लाने हैं, बस यहाँ पे बनेंगे। हाँ, रोटी और चावल और इतना ही सब कुछ बनेगा यहाँ पे तो। आइए सर। नहीं बेटी बेटी बेटी, वो टार्टर्स पेन तो हो रहा है आपके पास या फिर मोबाइल पे? मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं वैन लाइफ इंग्लैंड कपल के पास। चलो टक 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 टक, नॉक नॉक, चलो करो नॉक नॉक। क्यों ये एक चीज समझ नहीं आ रही? कोई है ही नहीं। तो अब चलते हैं उस आगे वाली गाड़ी के पास। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे निपट चुका है। निपट चुका है, जो बना था वो निपट गया है। हाँ पर बना क्या था ये पूछना है। तो पूछना जो खा रहे हैं। भुर्जी बनी थी यहाँ पे। भुर्जी? बॉयल्ड अंडे की भुर्जी। अच्छा, भुर्जी और रोटी चपाती। अब लेट हो गए। ये भुर्जी आधी सी बची हुई है। ये एग की भुर्जी है। हाँ खानी है। एग तो मैं नहीं खाता। सो देखिए, इस प्रकार की हमने छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं इसकी और इनको रख रहे हैं हम अप्पा स्टैंड में। ये सिकेंगी बहुत ही स्वादिष्ट और फिर तैयार हो जाएंगे हमारे। तो देखिए धीरे धीरे ये हमारे जो अप्पे हैं वो सिकने लगे हैं, एकदम ब्राउन होते जा रहे हैं। साइड के भी अपनी रंगत उनकी धीरे धीरे बदलती जा रही है। लेकिन नीचे नहीं गिरे। एक मिनट, यहीं इसमें डाल देते हैं, इसमें निकाल देते हैं। तो चलिए जी, फिलहाल एक्चुअली हमने तय किया है कि ये जो अभी जिस ग्राउंड पे अभी हमने पार्क कर रखी है, यहाँ से एक दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। वहाँ थोड़ी सी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। सो बस, और मेन चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जो जो भी कचरा था ऐसा करके हमने अपने साथ उसको रख लेते हैं और फिर जो भी प्रॉपर जगह मिलती है वहाँ डिस्पोज करते हैं। एक भी तिनका आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। सो चलिए इस ग्राउंड को छोड़ते हैं और दूसरे ग्राउंड पर चलते हैं। तो अब हमारी सारी गाड़ियों की शिफ्टिंग हो रही है। जहाँ पे हम नहाने गए थे वहाँ पे सारी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे जाएंगी। माता भी गिर जाएंगी। देखो साइकिल पे कैसे जा रही है। अपने कोई दिक्कत होगी? सारे कपड़े वपड़े अपने को धोने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन से बिजली ले लेंगे। एक दिन पूरा लगे पर लगेंगे।
गाड़ी तो चलती हुई आ रही है और मम्मा साइकिल से जा रही है। तो इस प्रकार एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2022-23 का कारवां वाचू पॉइंट इंदौर से चलकर पहुंच गया नंदुर मदमेश्वर महाराष्ट्र की बर्ड सेंचुरी। इसके आगे के सफर से आपको रूबरू कराएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।